नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो क्या होने वाला है उसके बारे में मैंने अपने न्यू ईयर का जो मेरा पहला वीडियो था उसके अंदर एक हिंट दी थी। मैं अपने पहले वीडियो में ये मेंशन किया था कि मैं इस साल प्रोजेक्ट पैन दोबारा से स्टार्ट करूंगी। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं वो सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने 2022 के प्रोजेक्ट पैन के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो बेसिकली ये मेरे प्रोजेक्ट पैन का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और आज के वीडियो में मैं आपको वो टोटल 22 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी और उनकी करंट कंडीशन दिखाऊंगी जिनको मैं इस पूरे साल में खत्म करना चाहती हूँ या फिर उनका कम से कम पैन हिट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग प्रोजेक्ट पैन क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं, प्रोजेक्ट पैन बेसिकली दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका, जो प्रोडक्ट्स हमारी कलेक्शन में पहले से हैं उन्हें पहले खत्म करना नए प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले, एक तो वो तरीका हो सकता है। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स काफी प्राइसी रेंज में आपने खरीदे हैं या जो बहुत लग्जरी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो आप अदरवाइज बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट पैन के थ्रू आप उन्हें साइड में रख सकते हैं और सबसे पहले अपनी वैल्यू फॉर मनी आप उन महंगे प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। सो मैं पर्सनली जो फर्स्ट तरीका है उसके थ्रू प्रोजेक्ट पैनिंग करूंगी। बेसिकली मैंने 22 प्रोडक्ट्स साइड किए हैं, वैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं या मैं हाफ वे ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, बट क्योंकि मैं नए नए प्रोडक्ट्स खरीदती रहती हूँ या फिर टचवुड मुझे अब पीआर में भी कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो मैं उन पुराने प्रोडक्ट्स को खत्म नहीं कर पाती हूँ और नए प्रोडक्ट्स पहले खोल लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो मेकअप कलेक्शन है वो काफी क्लटर हो गया है और काफी सारे प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं और मैं उनको उनकी पूरी पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाती हूँ। सो यही वजह है कि इस साल मैं दोबारा प्रोजेक्ट पैन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी प्रोजेक्ट पैन करने की कोशिश की थी बट वो मैंने जनवरी में स्टार्ट नहीं किया था, मैंने मिड ऑफ 2021 स्टार्ट किया था और वो मैं बहुत अच्छे से पूरा नहीं कर पाई थी। उनमें से मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं और मुझे वो डिस्कार्ड करने पड़े, जो एक्चुअली बहुत पेनफुल रहता है अगर आप एक मेकअप लवर हैं तो। यस, इस साल मैं कोशिश करूंगी कि जितने प्रोडक्ट्स मुझे पसंद हैं या जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मैं खत्म कर सकती हूँ वो इस साल में खत्म करूं। जैसा मैंने कहा, पूरे 22 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं, तो मैं एवरी मंथ एक प्रोजेक्ट पैन की अपडेट वीडियो किया करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट खत्म कर दिया है और अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं कंप्लीटली फिनिश कर देती हूँ तो उस प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मैं अपने प्रोजेक्ट पैन के लिस्ट में एड ऑन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर कंसीलर है, अगर मैं उसे खत्म कर पाती हूँ, मान लीजिए मैंने मार्च में ही वो पर्टिकुलर कंसीलर खत्म कर दिया है, तो मैं एक दूसरा कंसीलर उस प्रोजेक्ट मैन की लिस्ट में ऐड कर दूंगी और उसके साथ अपने 22 प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करूंगी। अगेन, एवरी मंथ आप प्रोजेक्ट पैन की अपडेट देख पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि मैंने कौन से प्रोडक्ट खत्म कर दिए हैं और मैंने कौन सा नया प्रोडक्ट अपने प्रोजेक्ट पैन में ऐड किया है। अब 22 प्रोडक्ट्स हैं और इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट के साथ। जो पहले कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो बेस प्रोडक्ट्स हैं और जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं खत्म कर पाऊंगी वो है ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। अब जैसा कि आप ट्यूब की हालत से देख पा रहे हैं, ये काफी हद तक लाइक ऑलमोस्ट 3/4 में इसे ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ और ये पर्टिकुलर बीबी क्रीम मैं तब यूज करना प्रेफर करती हूँ जब मुझे सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए बाहर जाना है और मुझे बहुत ही लाइट कवरेज की जरूरत है। तो यस, ये पहला प्रोडक्ट है जो मेरे प्रोजेक्ट पैन का पार्ट बना है। क्योंकि हम बीबी क्रीम की बात कर रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली एक फाउंडेशन भी इंक्लूड करना चाहती थी, तो ये पर्टिकुलर फाउंडेशन जो मैंने प्रोजेक्ट पैन में इंक्लूड किया है वो है ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। आपने बहुत बार मुझे यूज करते देखा है तो जाहिर सी बात है कि ये काफी हद तक खत्म हो चुका है। आई गेस इसमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी बची है और मैं इसे आसानी से 4 या 5 बार इस्तेमाल करके पूरी तरीके से खत्म कर पाऊंगी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी है बाय द ब्रांड मेबेलिन और वो है उनका फिट मी कंसीलर। ये एक ऐसा कंसीलर है जो मैं डेली बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ, ना ही सिर्फ अपनी अंडर आई कवर करने के लिए बट अपने ब्लेमिशेस कवर करने के लिए और इवन कट क्रीज मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए भी मैं इसी कंसीलर का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस कंसीलर के ऑलरेडी मेरे पास 2 बैकअप है और उनमें से एक मैं एक्चुअली ओपन भी कर चुकी हूँ और यही वजह है कि मैं इस पर्टिकुलर वाले को पहले फिनिश करना चाहती हूँ। जो लास्ट फेस प्रोडक्ट है वो है ये कॉम्पैक्ट पाउडर, अगेन बाय द ब्रांड मेबेलिन। ये काफी पुराना है और आई गेस
अगर मैं इसे अगले कुछ महीनों में नहीं यूज कर पाऊंगी तो मुझे इसे डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। कंडीशन डिसेंट है, आई एम प्रिटी श्योर कि मैं इसे आसानी से खत्म कर दूंगी। मैं बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट सर्दियों में यूज नहीं करती हूँ, लेकिन गर्मियों में कॉम्पैक्ट की जरूरत पड़ती है, तो अगर मैं इसे डेली बेसिस पे यूज करती हूँ सो आई गेस इन द नेक्स्ट 2 or 3 अपडेट्स आप इसको एमटीज में देख पाएंगे। अब जो नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली दोनों ब्लशेज हैं। ये पर्टिकुलर जो ब्लश है ये है बाय द ब्रांड प्योरली प्रो कॉस्मेटिक्स और ये है इन द शेड ऑर्किड। एक्चुअली आई डोंट थिंक कि मैं इस पे पैन हिट कर पाऊंगी क्योंकि क्वांटिटी काफी बची है इस प्रोडक्ट की, लेकिन अगर मैं इसे इस साल यूज नहीं कर पाती हूँ तो मुझे इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि आई गेस अगेन काफी वक्त हो गया है मेरे पास ये पर्टिकुलर ब्लश रखे हुए, तो ये वजह है कि मैंने इसे प्रोजेक्ट पैन में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो ब्लश है वो एक क्रीम ब्लश है और वो है बाय द ब्रांड स्टीला और ये स्टीला का कन्वर्टेबल कलर ब्रश है और ये है इन द शेड पोनी और ये इतनी क्वांटिटी में बचा है। अगेन मैं क्रीम ब्लशेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसकी वजह से मैं इसे आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ। आई गेस दिस इज द ओनली क्रीम ब्लश जो मेरे कलेक्शन में है, सो एटलीस्ट विंटर्स में तो मैं इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगी। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो एक्चुअली लिप प्रोडक्ट्स हैं और इस प्रोजेक्ट पैन 2022 के लिए मैंने 4 लिप प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने का डिसाइड किया है। समहाउ ये चारों जो शेड्स हैं वो न्यूड न्यूट्रल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड ये वो सारे कलर्स हैं जो मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। पहली लिपस्टिक है कलर बाकी टेक मी एज आई एम लिपस्टिक इन द शेड मिस्टीरियस न्यूड। दूसरी जो है वो काइली कॉस्मेटिक्स की है और ये है काइली कॉस्मेटिक्स की वेलवेट लिक्विड लिपस्टिक। अगेन उनकी लिक्विड लिपस्टिक्स तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन वेलवेट लिपस्टिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये मिनी साइज में है और मैंने इसको इस प्रोजेक्ट पैन का पार्ट बनाया है तो ये मैं काफी जल्द खत्म कर पाऊंगी। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है बाय द ब्रांड कलबा और ये कलबा की डुअल साइडेड लिपस्टिक है। एक साइड में तो इसमें नॉर्मल लिपस्टिक है, ये एक्चुअली उनकी लिपी स्टिक्स है, एक साइड में तो लिपस्टिक है और दूसरी साइड में लिप लाइनर है। मैं आज तक इसे यूज इसलिए नहीं कर पाई हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि एक डार्क कलर है, लेकिन अगेन क्योंकि विंटर्स चल रही है सो आई विल मेक श्योर कि विंटर्स में ही मैं इस डार्क शेड को कंप्लीटली फिनिश कर पाऊँ। जो लास्ट लिप प्रोडक्ट है जो मैं इस प्रोजेक्ट पैन में इंक्लूड कर रही हूँ वो है बाय द ब्रांड निक्स और वो है निक्स के लॉन्जरे कलेक्शन से ये लिक्विड लिपस्टिक और ये है इन द शेड सिडक्शन। ये भी अगेन एक बहुत प्यारा न्यूड कलर है, इसको आप ऑन इट्स ओन लगा सकते हैं या एक डार्क कलर के लिप लाइनर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स है वो दोनों काजल पेंसिल्स हैं और ये वो 2 पर्टिकुलर हैं जो मैं फिनिश करूंगी। ये पर्टिकुलर काजल पेंसिल तो है बाय द ब्रांड मामा अर्थ और ये उनका न्यूली लॉन्च काजल है, तो ऑब्वियसली ये एक्सपायरी डेट के तो बहुत दूर है, लेकिन क्योंकि मैं इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसे पहले खत्म करूं दूसरी किसी भी काजल पेंसिल को स्टार्ट करने से पहले। और दूसरी जो पेंसिल है वो है बाय द ब्रांड लैनकोम और ये एक्चुअली एक डार्क ग्रे कलर का पेंसिल है, थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत स्मूथली अप्लाई होता है। सो आई गेस बिकॉज ये कलर बहुत लाइक एवरीडे वेयर टाइप्स का है तो इसे भी मैं बहुत आसानी से खत्म कर पाऊंगी। एक और जो पेंसिल टाइप का प्रोडक्ट है जो मैंने इस प्रोजेक्ट पैन में इंक्लूड किया है वो एक्चुअली एक लिप पेंसिल है और वो ये पर्टिकुलर लिप पेंसिल है। अगेन मैं इसे एज अ लिप पेंसिल यूज नहीं करती हूँ, मैं ऑनेस्टली इसे एज अ सिंदूर यूज करती हूँ, बहुत छोटी सी हो गई है और मैं इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ, तो कोई नया सिंदूर खरीदने से पहले आई वुड वॉन्ट कि मैं इस पर्टिकुलर वाली को फिनिश करूं। मैं क्विकली अप्लाई करके दिखाती हूं आपको ये कैसी लगती है। बहुत इजी टू यूज है और क्योंकि छोटी सी है आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं एंड अगेन क्योंकि लिप लाइनर है तो वाटर प्रूफ सॉर्ट ऑफ है, थ्रू आउट द डे आसानी से लगा रहता है। अब इस प्रोजेक्ट पैन में मैंने एक्चुअली सिर्फ एक ही नेल पॉलिश इंक्लूड की है क्योंकि मेरे पास इतनी सारी नेल पॉलिशेज हैं कि मैं किसी एक कलर के साथ कमिट नहीं कर पाती हूँ, तो जो शेड मैंने नेल पॉलिश का इंक्लूड किया है वो है बाय द ब्रांड मेबेलिन अगेन और ये है उनकी कलर शो रेंज की ग्लिटर मैनिया की नेल पॉलिश। अगेन काफी पुरानी है, इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी बिल्कुल नई जैसी ही है, तो इसको आप मेरे नीला ट्यूटोरियल्स में जल्द ही देख पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर शेड है इसका नाम है ब्लिंग ऑन द ब्लू और ये है शेड नंबर 608। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मैंने इस प्रोजेक्ट पैन में इंक्लूड किया है जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट है और वो है बाय द ब्रांड
ब्रांड ओले, और ये है ओले का हाइड्रेटिंग एसेंस, स्टोन परफेक्टिंग हाइड्रेटिंग एसेंस। अब मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं खत्म कर सकती हूँ या खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन वो क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ और किसी भी एक टाइप के मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है मेरे पास, तो उन्हें तो मैं आसानी से खत्म कर ही पाऊंगी, इसलिए मैंने उन्हें अपने प्रोजेक्ट प्लान में इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन ये पर्टिकुलर वाले को बहुत वक्त हो गया है और क्योंकि ये सैंपल साइज है, मैं संभव इसे कभी यूज नहीं करती हूँ। सो यस, एज अ टोनर आई विल मेक श्योर कि मैं सबसे पहले इसे खत्म करूँ अपने फुल साइज टोनर्स को यूज करने से पहले। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये कॉन्टोर स्टिक बाय द ब्रांड के ब्यूटी। अगेन बहुत ज्यादा कॉन्टोर प्रोडक्ट्स नहीं है मेरे पास और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन आई विल मेक श्योर कि पहले मैं इस पर्टिकुलर वाले को खत्म करूँ नए खरीदने से पहले। आप पेंसिल के साइज से ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैं इसे काफी ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ और ऑनेस्टली मुझे काफी ज्यादा पसंद भी है इसे इस्तेमाल करना। तो यस, ये है वो अगला प्रोडक्ट जो मैंने अपने प्रोजेक्ट पैन 2022 में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो टू प्रोडक्ट्स हैं वो लिप बाम है, और ये दो पर्टिकुलर लिप बाम्स हैं जो मैं इस प्रोजेक्ट पैन में इंक्लूड कर रही हूँ। ये वाला तो अगेन मैं काफी हद तक खत्म कर चुकी हूँ, सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्ट इसमें बचा है और इसको मैं इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट अभी भी बचा था, लेकिन स्टिल मैंने एक नया लिप बाम परचेज किया था और ये है बाय द ब्रांड स्टेक वो की। ये मैंने परचेज किया था वेरी रिसेंटली एंड आई नो कि पहले मुझे ये खत्म करना चाहिए था बिफोर परचेजिंग दिस वन, एंड ऑनेस्टली मैंने इसे यूज करना स्टार्ट भी कर दिया है। सो इस प्रोजेक्ट पैन के थ्रू मैं इस पर्टिकुलर वाले को खत्म कर पाऊंगी, एंड बिकॉज इट्स अ लिप बाम आई नो दैट आई यूज देम ऑन डेली बेसिस, तो मैं इस स्टेक वकी वाले को भी खत्म कर पाऊंगी। आई नो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, बट घबराइए मत, सिर्फ तीन ही प्रोडक्ट्स और बचे हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। उनमें से जो पहला है वो है एक आई शेडो पैलेट और वो है बाय द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड। ये है वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट इन द शेड रोजे इन द एयर। बहुत ही खूबसूरत आई शेडो पैलेट है, न्यूट्रल कलर्स हैं, एवरीडे कलर्स हैं, एंड अगर आई गेस मैं इसे ऑन लाइक हफ्ते में दो या तीन बार भी इस्तेमाल करती हूँ तो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मैं इसे कम्प्लीटली फिनिश कर पाऊंगी। नेक्स्ट जो टू प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको जस्ट ऊपर से दिखाऊंगी एंड आई जस्ट इंसर्ट अ क्लिप उन प्रोडक्ट्स का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो डैमेज्ड हैं, लेकिन डैमेज्ड हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें फेंक दूंगी, मैं उन्हें स्टिल यूज करना चाहती हूँ पूरे पोटेंशियल पे, मैं उन्हें ऑनेस्टली फिक्स करने की कोशिश भी करूंगी, बट इवन इफ अगर वो फिक्स नहीं हो पाते हैं तो मैंने इसी कंडीशन में इस्तेमाल करूंगी। पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये मेकअप रेवोल्यूशन का डायमंड हाइलाइटर और ये है इन द शेड आइस्ड डायमंड। इसके ऊपर, इन हाइलाइटर्स के ऊपर, इस पर्टिकुलर वाले के और इसके दो वेरिएंट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक फुल रिव्यू वीडियो कर चुकी हूँ, तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं कि ये कैसा दिखता है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो बहुत खूबसूरत हाइलाइटर है, सिल्वरी ग्लो देता है और काफी पिगमेंटेड भी है, बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, इट इज कम्प्लीटली शैटर्ड। तो या तो मैं इसको कम्प्लीटली पाउडर के फॉर्म में बना के एज अ हाइलाइटर यूज करूंगी या फिर आई ट्राई एंड फिक्स दिस पाउडर। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। जो लास्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट है, 22nd प्रोडक्ट है, वो है ये फेस एंड आई मेकअप पैलेट बाय द ब्रांड स्पेस ब्यूटी। ये है उनकी सैंटोरिनी लव पैलेट। अगेन बहुत खूबसूरत पैलेट है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो पैलेट है वो कम्प्लीटली शैटर्ड है। मैंने इस पैलेट को एक बार फिक्स करने की कोशिश की हुई है, बट एक आध कलर फिक्स हुआ, बाकी फिक्स नहीं हो पाए हैं। तो अगेन आई विल ट्राई इसको फिक्स करना, और अगर मैं इसे फिक्स नहीं कर पाती हूँ तो या तो मैं इसके कलर्स किसी दूसरी पैलेट में ट्रांसफर करूंगी या फिर ऑन इट्स ओन मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इतनी प्यारी पैलेट है, इतने सुंदर कलर्स है कि मैं इसे डिस्कार्ड तो बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। सो यस, ये थे वो 22 प्रोडक्ट्स जो मैं 2022 के प्रोजेक्ट पैन में इंक्लूड कर रही हूँ। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप इस टाइप की वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपने कभी प्रोजेक्ट पैन ट्राई किया है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और हो सकता है हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता लगे। अगर आप प्रोजेक्ट पैन टाइप की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मैं एवरी मंथ इस प्रोजेक्ट पैन का एक अपडेट वीडियो
बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आप देख पाएंगे कि मैं अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग के गोल में कितनी सक्सेसफुल हो पाई हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्ते।